Thank you.
समय का पेशा में भगवान भी आनंद नहीं करता आप लोग जैसा स्वागत करें जैसे रसगुल्ला के नाम में मिले जीवन पानी लग जाती है उसमें जैसे पानी आ जाता है उसी प्रकार से भगवान कथा श्रवण करने का भी मतलब है जब कथा अपने आप अनुभूति हो अनुभूति का लक्षण क्या है कि बाबा कृष्णदास जी महाराज ने कहा कि मेरा नाम लेने में तो कथा श्रवण करने में कैसा मन होना चाहिए कि मम गुण गावत मम गुण गावत फूल के सीना वस्तु अब मिलने वाली है अब पास में आने वाली है अब टिकने वाली है तो कैसे शरीर में रोमांच हो जाता है इसी प्रकार से भगवान का नाम लेने में रोम रोम इसे कहते हैं कि भक्त के रोम रोम से भक्ति की धारा का थोड़ा अपने आप जाना जा सकता है तो व्यास मंत्री ने विराजमान ज्ञान की नमन करते हुए अब उनके द्वारा दस मई आनंद एक करना में एक कथा का श्रवण करें Yeah.
लंदन पार्क में जितना नहीं जाता है ना, तो महामना आपको ये रुपया
विधिवत पित्र देवांचन तथा प्रेम से कही जय श्री राधे। एक बार पुनः सभी प्रेम से कहें जय श्री राधे। आज साक्षात परब्रह्म पूर्ण परमात्मा जिसका ज्ञानी लोग अपने अंतःकरण में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन अष्टांग योग के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र में नाभि चक्र में सहस्रार चक्र में ब्रह्मरंध्र चक्र में अपने किसी भी एक चक्र में जिस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का ध्यान करते हुए जिसकी समाधि में डूबकर किसी को आलंबन लेना पड़ता था किसी ब्रह्म ज्योति का किसी को आलंबन लेना पड़ता था ओंकार का और ब्रह्म का जो चिंतन किया करते थे ज्ञानी लोग संपूर्ण संसार से संपूर्ण वैराग्यवान होकर और परब्रह्म पूर्ण परमात्मा में लीन हुआ करते थे। आज वही साक्षात परब्रह्म पूर्ण परमात्मा अवतार लेकर आनंद रूप से बाबा नंद के घर में लाना बन गया। साक्षात नंद बाबा नंदन ने जाता लाभो महामना साक्षात आनंद साक्षात आनंद आज रूप धारण करके बाल रूप में आ गया। ये वृंदावन बड़ी अद्भुत भूमि है। एक महात्मा जी हमारे वृंदावन में आए ब्रह्मज्ञानी थे मेडिटेशन किया करते थे आकर के यमुना जी का किनारा परम पावन एकांत स्थान देखा तो नेत्र बंद करके ध्यान लगाने बैठे गए। बोले बड़ा सुंदर भगवान का पवित्र स्थान है यहां ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे एक छोटा सा बालक आ गया बाबा अरे रे आंख मत खोल आंख बंद किए गए बाबा आंख बंद करके क्या कर रहे हो। संत ने उत्तर दिया मैं परब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने ब्रह्म का अपने अंतःकरण के माध्यम से चिंतन कर रहा चित्त मेरा एकाग्र है मैं ब्रह्म का चिंतन कर रहा। अरे बाबा तेरी किस्मत बुझ रही है जब तू ऐसा कर रहा है। बालक क्या बकवास करते हो। अरे बाबा सारे ध्यान ज्ञान तपस्या योग साधना का फल है श्रीधाम वृंदावन का दर्शन और तुम श्रीधाम वृंदावन में भी अंतर नेत्र बंद किए हो कर्म पूते हैं क्या। महात्मा जी बोले बालक तुमको क्या पता ध्यान का क्या आनंद होता है ब्रह्म का क्या फल होता है चिंतन किसको कहते हैं समाधि किसको कहते हैं और उनको क्या पता महात्मा जी जिसको उपदेश दे रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है स्वयं कन्हैया आए थे। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले अरे बाबा आंख बंद किए हो तो किए है ना कहीं गलती से खोल मत लेना। बोले क्यों। बोले जौनो तो तू नंद को कुमार नहीं दीख भरे तौलो तू बैठ के या ब्रह्म को विचार ले ये ब्रह्म तुम्हारी काम में नहीं आएगा ब्रह्म में डाल देगा और जैसे ही नैना खोले और कहीं चित्त चुराने वाले प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन हो गया तो ध्यान ज्ञान सब छूट जाएगा। ये वृंदावन है ये कोई वैकुंठ नहीं है।
यहाँ तुम नेत्र बंद करके बैठे हो, इसीलिए नेत्र खोलो। जैसे महात्मा ने नेत्र खोले, सामने कन्हैया खड़े हुए मुस्कुरा रहे। अरे ये वही क्रम है। तो आज साक्षात आनंद के रूप में श्री ठाकुर जी बताए, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, सारे ब्रजवासियों को जैसे छह छह महीने पहले से तैयारी कर रखी थी। बरसाने में श्री राधा रानी का प्राकट्य हो गया भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के, और हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से 11.5 महीने छोटे, लगभग 1 साल। तो बरसाने में श्री जी प्रकट हो गई तो ब्रजवासियों को पूरा विश्वास है 6 महीने पहले से कि हमारे नंद बाबा के घर में लाना है। और भैया विश्वास करके जब आया, सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए सब कामों को छोड़ करके चले आए। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान, ज्ञानियों का ध्यान, समाधिस्थों की समाधि, योग निष्ठों का योग, सब फूल गया, सब दौड़ करके आए। बोले ना समाधि लगा करके बैठे थे, महादेव की समाधि टूटी है, दौड़े। माँ पार्वती पूछ रही है कहाँ, बोले मेरे कन्हैया का अवतार हो गया। बोले मुझे भी ले चलो। अरे भैया इतना समय नहीं है, तुम श्रृंगार करोगे 2 घंटा लगाओगे। हम तो बाबा जी आज में पट अपने बहु की लपेटी चलती है। माँ पार्वती जी भी तुरंत आए, श्री ब्रह्मा जी महाराज ज्योतिषाचार्य के रूप में आए, और महाराज हमारे भोलेनाथ आए योगी के रूप में, अलग निरंजन, अलग जिसको कोई दर्द नहीं सकता, जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता, निरंजन, नेत्रों से दृष्टि से परे आनंद देने वाला वह महातत्व तो आज प्रकट हो गया। भोलेनाथ दौड़ करके आए, दर्शन किए, बाबा नंदन लुटाना प्रारंभ किया है, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है करके बाबा लुटा रहे, और भैया ब्रजवासी आनंद हो रहे हैं और सब बधाई आए। बोले नंद जू के अंगना में बज रही आज Thank you.
बाबा अंदर ने इतना नंद कछु इतना जो दियोधन ने बची बचिया छछिया ना पिछोड़ी प्यारो पता नहीं आप लोगों को परिभाषा समझ में आ पाएगी या नहीं इसलिए हिंदी में करनी पड़ रही है नहीं तो अगर हमारे आसपास वृंदावन के जैसे दिल्ली में या कोई आसपास आगरा वगैरह में कथा यूपी में नहीं होती है तो शेष कथा परिभाषा नहीं होती है क्योंकि ये ब्रजभाषा हमारी अपनी लोकल भाषा है इसीलिए ये कन्या की भाषा है कन्या ने प्रारंभ की ब्रजभाषा की एक विशेषता है ब्रजभाषा में कभी आप शब्द का प्रयोग नहीं होता तू शब्द का प्रयोग होता है बहुत कोई सम्मान हो सम्मानित हो जैसे रतों बड़ी अनोखी ब्रजभाषा भैया ब्रजभाषा में आगे की कथा होती है अस्तु बाबा नंद ने इतना लुटाया पहले अन्न के खिलाफ लुटाए फिर वस्त्रों के खिलाफ लुटाए फिर चांदी के खिलाफ लुटाए फिर सोने के खिलाफ लुटाए फिर तो हीरा मोती लाल जवाहर पन्ना मणि माणिक के बाबा ने इतना अच्छा जितना लुटा रहे हैं उतना खजाने का बढ़ता चला जा रहा है बढ़ता चला जा लक्ष्मी अपने आप प्रेत में आ गई और देखिए लक्ष्मी जी का स्वरूप कैसा है लक्ष्मी जी व्रत की गलियों में ऐसा लग रहा है जैसे लोटपोट हो रही है जैसे कोई ऐसे 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 गोल गोल करके खेलता है गलियों में ऐसे लक्ष्मी जी का स्वरूप व्रत लग रहा है बिखरी पड़ी है इसलिए बहुत लज्जा आती है बहुत शर्म आती है हम लोगों को जब कोई ब्रजवासी किसी के सामने मानता है ब्रजवासी कभी किसी के सामने हाथ फैलाए बहुत भयंकर लज्जा का विषय बहुत ज्यादा करोड़ों करोड़ों चिंतामणि देने वाला कुबेर भी सामने आ जाए तो प्यारे ब्रजवासी के सामने ऐसे हाथ करके भीख मांगता है और ऐसी स्थिति में भी आज कभी कभी देखने में आ जाता है कि ब्रजवासी कह भी रहे हैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमें कुछ दे दे ये ब्रजवासी का लक्षण है इतना आनंद इतना लुटाया बाबा ने इतना लुटाया भैया कुछ छोड़ा ही नहीं और लूटने वाले की विशेषता देखो उसने भी कुछ रखा नहीं जो जो लूट लूट करके ले गए सब कृष्णार पर वस्तु सब कन्हैया के चरणों में समर्पित करते हैं अर्जुन द्वार पर क्या जा गया बेटा ये हमारा हम लोग तो केवल गाते हैं ब्रजवासियों में करके ले जाए अपने घर की झाड़ू पर तो कहा ले जाके लौटा रही बोले इसको भी ले जाओ ऐसा आनंद ब्रज में आया बहुत बहुत विस्तृत कथा है एक कथा और है आज लाला का जन्म हुआ बधाई हुई और आज ही लाला की सगाई बरसाने से टीका है श्री किशोरी जी जब जन्म ली थी राधा रानी का जब जन्म हुआ तो इनके जो नैना थे राधा रानी के जो नेत्र थे वो बंद थे और 11.5 महीने बाद आज जब पहली बार राधा रानी श्याम सुंदर के सामने आई और श्री किशोरी जी ने जब पहली बार नेत्र खोले तो पहले सबसे पहले अपने प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन किए प्रिया प्रियतम का पहला मिलन यही है और लाला की सगाई हुई हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर उत्सव होता है श्री श्याम सगाई महोत्सव आज ही बधाई आज ही सगाई बरसाने की सखियां आई बधाई का सामान अलग रखा सगाई का सामान अलग रखा लाला का टीका हुआ है तो बरसाने की सखी मैया यशोदा से बोली मैया हमारे मन में एक भाव आ रहा है हम अपने कन्हैया के चरणों में भाव गाना चाहती हैं आपकी आज्ञा हो तो गाने का मन हो रहा है हाँ भैया वही उत्सव का समय है गाना ही चाहिए गाओ गाओ अवश्य गाओ बरसाने की सखियों ने बड़ा सुंदर भाव गाया एक आप लाइन हम और आप लोग भी गुनगुना देते हैं प्यारा भाव बोले मैंने मेहंदी रचाई
श्री गीता जी में अध्याय कितने मंत्रराज गोपालों के अक्षर कितने हैं 18 की संख्या सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। अच्छा 18 में एक विशेषता है 1+8 बराबर होते हैं 9 और 9+9 कितने हुए 18। सोचने वाली बात है, आप कहेंगे इसमें सोचने वाली क्या बात है, क्योंकि 9 श्लोक श्री राधा रानी के जन्म में हो सकते हैं और 9 श्लोक प्यारे श्याम सुंदर के प्राकट्य में हो सकते हैं। 9 और 9 कितने हो गए, लेकिन 18 होते हुए भी 9 है, 18 होते हुए भी गिनने में 18 है पर 8 में मिला के कितने हुए 9। 9 की संख्या सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण संख्या है, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 9 से बड़ी इस संसार में कोई संख्या नहीं। 9 के बाद आता है 10, 10 में कितना हुआ 1 और 0, तो सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या 9 है। आप कहेंगे 9 की संख्या ही पूर्ण क्यों है, क्योंकि प्यारे जो टेबल्स होती है आप टेबल पढ़िए, किसी भी अंक का आप टेबल पढ़ेंगे तो जो आपको विशेषता 9 की संख्या में मिलेगी वो दूसरी नहीं मिलेगी। 7, 7 × 2 = 14, 14 को प्लस कीजिए 1+4 = 5, 8 को कीजिए 8, 8 × 2 = 16, 1+6 कितने हुए 7, पर 9 की संख्या ऐसी है जिसमें आप आगे तक कितना भी जोड़ते चले जाइए योगांक 9 ही आएगा। 9 × 2 = 18, 1+8 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 7 = 9, 9 × 4 = 36, 3 × 6 = 9 और तो और 9 की संख्या से संबंध रखने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका भी आप टेबल पढ़ेंगे तो भी 9 आएंगे, ऐसी पूर्ण संख्या है। तो 9 श्री राधा रानी के, 9 प्यारे श्याम सुंदर के, 9 और 9 मिला के कितने हो गए 18। और कभी व्याख्या करने का समय मिलेगा तो बताएंगे कौन कौन से श्लोक श्री जी के हैं, कौन कौन से प्यारे श्याम सुंदर। लोग कहते हैं ना भागवत जी में श्री राधा नाम क्यों नहीं दिया, अरे बिना श्री राधा रानी के तो भागवत जी जैसा ग्रंथ पूर्ण हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। पूरे विराट में जहां जहां आप श्याम वर्ण देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, जहां जहां आप गौर वर्ण देख रहे हैं वो श्री जी का रूप है। आज भी आप हमारे यहां आइए वृंदावन में जमुना किनारे से उनकी बालू उठा के देखिए, एक कण श्याम, श्याम मतलब लाइक ब्लैक, और एक गौर वर्ण का व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। एक सज्जन ने एक पंडित जी से कहा, बोले महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी कहां है, तो पंडित जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले आप ग्रंथ खोलिए, ग्रंथ खोलने पर जो काले काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो प्यारे श्याम सुंदर का रूप है, पर आधार जिस पेज का है व्हाइट कलर का जो पेज है वो श्री राधा रानी का है। श्री राधा संपूर्ण जगत का आधार बताई गई है, आधार मीन्स बेस, संपूर्ण जगत का आधार क्या है श्री राधा। आप कहेंगे हम कैसे मान लें, हमें तो प्रैक्टिकली दिखाएं तब हम समझें, तो प्रैक्टिकली देखो आप आधार शब्द को जल्दी जल्दी बोलिए राधा राधा प्रकट हो जाए, बोल के देखिए आधार शब्द को जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए, आधार 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 में से श्री राधा शब्द। एक बार ये अटलांटा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही थी तो एक सज्जन ने जिज्ञासा प्रकट करी, बोले नवरात्रों में भगवती माँ दुर्गा का पूजन सत्य होता है, आप श्री राधा रानी की जब देखो तब महिमा बुलवाते रहते हैं,
कथा में भी भगवत जी की तरह आप कह रहे हैं श्री तो जब नारायण जी इतनी सब कुछ है आप लोगों के लिए तो प्रसिद्ध क्यों नहीं है, उन्होंने प्रश्न किया। नवरात्रों में तो कहीं पूजा नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड के स्तर पे आप देखें तो राधा रानी को ऊर्जा जैसे नवंद्रों में देख लेंगे, भगवान के साथ है बस हो गया। तो दास ने निवेदन किया कि जो चल होती है ना वो छिपी रहती है, जिसकी जिसके कारण पूरा पेड़ वृक्ष टिका हुआ है वो चल छिपी हुई है। माँ दुर्गा दुर्गति नाशी, दुर्गति का नाश करने वाले महिषासुर जैसे राक्षस को मारा वो पूरे विश्व की आफत बना हुआ था, तो विश्व प्रसिद्ध को मारा तो विश्व प्रसिद्ध हो गए। और हमारी राधा रानी ने आज तक कभी किसी राक्षस को मारा ही नहीं, क्योंकि ये हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करती ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इनके सामने आज तक कोई राक्षस कभी आया ही नहीं, और आता है तो प्रेमी बन जाता है बेचारा, राक्षस ही नहीं रहता, तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी मरने मारने की। तो ये तो विशुद्ध प्रेम है, प्रेम तत्व के समक्ष जो आएगा वो तो प्रेमी बन जाए। एक कथा जरूर हमारे व्यक्ति के धन पकड़ प्राप्त होती है, एक बार कंस आया था राधा रानी के सामने, आपने सुनिए कथा नहीं है सुना दे। भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, उससे पूर्व बरसाने के राजा थे लक्ष्मण जी राधा रानी के पिताजी। तो कंस ने आक्रमण किया ब्रज पर और बरसाने को घेर लिया, कंस ने बहुत सारे सैनिक आए बरसाने को घेर लिया। श्री राधा रानी इतनी छोटी सी थी, घुटने के बल हल्का हल्का बेचारी चल पाती थी, मेरे ख्याल से 6 महीने की अवस्था श्री राधा रानी की होगी। अब सारे ब्रजवासी परेशान, क्योंकि कंस के सैनिक आपने घर घर को घेर लिया और आक्रमण किया, सताए लगे, परेशान किया। तो कंस सामने से आ रहा था, श्री राधा रानी यहां विराजमान थी छोटी सी अवस्था में। जैसे ही कंस सामने आया तो आप तो जानते हैं ये कुछ चमत्कार और लीलाएं और वैसे मारना वारना वो सब तो सफल ही नहीं है, ये तो विशुद्ध प्रेम का मामला है। तो श्री राधा रानी ने करुणामयी दृष्टि से कंस को देखा और कंस स्त्री बन गया, फीमेल बन गया। अब उसको भीतर से पता है मैं कंस हूं, और ऊपर से उसकी ड्रेस चेंज हो गई, उसके सारे अंग चेंज हो गए, अब वो बार बार देख रहे ये क्या हुआ। बेचारा शर्माए और कुछ न कहा जाए न रहा जाए न सहा जाए, बेचारा बड़ा परेशान हुआ। अब किसी से कहे अरे भाई सुनो, अब वो सोचे कि भैया मेरे पीछे क्यों पड़ गई, अरे सुनो मैं कंस हूं। अब कोई देख जैसे आप लोग माताएं बहने बैठी हुई हैं, आप में से कोई कहने लगे सुनो मैं कंस हूं तो लोग हंसेंगे नहीं आप, अरे कोई पुरुष बोले मैं कंस हूं तो समझ नहीं आता है बेचारी, और उसको पता है मैं कंस हूं बोल रहा है वो सबको बता रहा है, अरे सुनो मैं कंस हूं मेरा आदेश सुनो। लोगों में कई पागल हो रही है, अपने आप को कंस बता रही है। कंस बड़ा परेशान हुआ प्यारो, बहुत महीने तक कंस से गोबर डुबाया, जो गैया का गोबर होता है ना वो गोबर सिर पे रख के बेचारा कंस बरसाने में सेवा करता रहा। और जब 1-2 महीने बीत गए तब ये समझ गया, श्री किशोरी जी के सामने गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, कहा हे श्यामा जो आप कौन है मैं आपको नहीं पहचानता, पर मैं ये समझ गया कि आपने ही मुझे स्त्री बनाया है, ये तो बहुत बुरा जीवन है, मैं कंस होते हुए नहीं बता पा रहा हूं किसी को मैं कंस हूं, जन्म सी स्त्री हो तो कोई प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं किया जा रहा, आप जो कहेंगी मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, आप बस एक बार मुझे फिर से पुरुष बना दीजिए। तो श्री किशोरी जी ने धीरे से कहा बेटा कभी ब्रज पे आक्रमण मत करना, जाओ
और जिस दिन तुमने ब्रज में प्रवेश किया, तुमने मथुरा छोड़ करके कभी हमारे वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाना गोवर्धन यहाँ कभी भी प्रवेश किया तो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। तो इसीलिए आगे कथा आती है, कन्हैया का जब प्राकट्य हुआ बहुत से राक्षस कंस ने भेजे, पूतना भेजे, शक्का सुर, तृणावर, तलासुर, बकासुर, कृपासुर, दैत्यासुर सब भेजे और स्वयं नहीं आया डर के मारे। भागवत जी में आता है ना, कभी कंस नहीं आया वृंदावन। अस्तु, तो भैया श्री शुक मुनि ने आगे कथा शुरू कराई है, मुख्य मुख्य गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़कर बाबा नंद कंस का वार्षिक कर जमा करने गए। वार्षिक कर मतलब परिवर्तन टैक्स लिया करते थे, वो जमा करने गए। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम लतः नंद कंस से वार्षिक्यम करता तुम गुरुत्व। वहां पे वसुदेव जी से मिलन हुआ। इधर कंस ने एक राक्षसी देवी पूतना भगवान ने उसका उद्धार किया। बड़ी विस्तृत विस्तृत लीलाएं हैं, एक लीला पे भी अटक गए तो आज गोवर्धन पूजन नहीं हो पाएगा। आज पिंडे को समय भाग रहा है। एक तो क्या होता है कि 10 मिनट तो महाराज जी ले जाते हैं, फिर उसके बाद मंगलाचरण होता है, ये होता है, 7:30 तो आज हमने देखा, 7:30 तो ऐसे ही कट जाते हैं बेचारे। 1 घंटे में क्या क्या सुनाते हैं। कभी कभी तो मन करता है भगवान हजारों मुख दे रहे, फिर हजारों मुख से एक संग आते हैं। वर्णन करोड़ों करोड़ों प्रकार का है, मुख एक ही है, समय इसी में बदली हुई। अच्छा, ये उत्साह कभी कभी आता है, सदा नहीं आता। भगवान को मारने के लिए आई पूतना उसको मां की गति प्रदान की। देखो, मां के समान बहुत हो सकती है पर दूध पिलाने वाली मां एक ही होती है। भगवान ने पूतना का दूध पिया और वो पकी स्तन काल कूटम जिघन सया पाए के साथ भी लेने गति धात्र चितांत तो कंगवा दयालु क्षण रजे। श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि विदुर, ऐसा कौन है इस संसार में जिसकी शरण में हम जाए, जो जहर लगा के दूध के माध्यम से जहर पिलाने आई उसको भी भगवान ने मां की गति प्रदान करी, उसको भी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा दयालु कौन होगा। प्राय संसार में होता क्या है, कोई मारने आया आपने बता दे दिया पैसा बराबर, रिवेंज का काम नहीं है, प्रेम का काम। इतना प्रेम के सामने वाले का जो दुश्मनी का भाव है वही समाप्त हो गया। शक्तासुर को मारा, तृणावर का उद्धार किया, भगवान की सुंदर दिव्य नामकरण संस्कार की लीला हुई। पूज्य गुरुदेव श्री गंगाचार्य जी महाराज ने कन्हैया का नामकरण किया। लाला थोड़े से बड़े हुए हैं, बोले काले नाम